हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए होम साइंस के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम इसी तरह से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी साथी अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, मॉडल पेपर का PDF एवं ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेरी पोशाक इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करना, या इनमें से सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी मेरी पोशाक सूती वस्त्र की विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला दो नंबर प्रश्न है, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती हैं? फफूंद, सिल्वर फिश, धब्बे, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर सिल्वर फिश लग जाती हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं। और अगला तीन नंबर प्रश्न है, सबसे कठिन धब्बे को छुड़ाना है? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सबसे कठिन धब्बे को छुड़ाना अज्ञात है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। और अगला चार नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी वस्त्र मिश्रित वस्त्र हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं। और अगला पाँच नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सुजनी जो है वो बिहार का सुई शिल्प है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। और अगला छः नंबर प्रश्न है, कपड़ों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी बातों पर, जैसे कपड़े की किस्म, कपड़े की सिलाई शैली एवं फैशन, इन सभी बातों पर कपड़ों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला सात नंबर प्रश्न है, आदि मानव किस तरह का वस्त्र का उपयोग करते थे? पेड़ का पत्ता, छाल, घास, या उपयुक्त सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी प्रकार के वस्त्र का उपयोग आदि मानव करते थे। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। और अगला आठ नंबर प्रश्न है, किस वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिल्क वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला नौ नंबर प्रश्न है, इनमें से प्राणिज रेशे हैं ऊनी, सूती, लिनन, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऊनी जो है वो प्राणिज रेशे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला दस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में गर्म रंग कहलाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन गर्म रंग कहलाता है? सफ़ेद, बैगनी, हरा, या लाल? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि लाल रंग जो है वो गर्म रंग कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला ग्यारह नंबर प्रश्न है, मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है? सूती, रेयान, रेशम, या नायलॉन? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मजबूत रस्सियां बनाने के लिए नायलॉन रेशा काम आता है।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, आरामदायक शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है लाल बैगनी हरा या सफ़ेद। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हरा रंग आरामदायक शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा किससे करती हैं, सर्दी से गर्मी से वर्षा से या उपयुक्त सभी से। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी से वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी काम वॉशिंग मशीन का होता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है, संतुलन मजबूती व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रंगों के उपयोग से संतुलन बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कोमल बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कठोर सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, प्लैकेट कहते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्लैकेट किसे कहते हैं, तुर्पन सिलाई जोड़ या बटन की पट्टी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बटन की पट्टी को प्लैकेट कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चूसन मशीन अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, वानस्पतिक धब्बा है रक्त मांस अंडा या फल। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फल का धब्बा जो है वो वानस्पतिक धब्बा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला कारक है, प्रयोजन एवं टिकाऊपन, कार्य क्षमता एवं मौसम से अनुकूलता या उचित रंग फैशन शैली एवं मूल्य या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाला कारक हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, वस्त्र विज्ञान का अध्ययन कर किस प्रकार अधिक धन उपार्जन कर सकती हैं, डिजाइनर बनकर, रंगाई कर, बुनाई एवं छपाई कर या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी वस्त्र विज्ञान का अध्ययन कर इनमें से सभी प्रकार से अधिक धन उपार्जन कर सकती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं, किरोसन तेल से, तारपीन तेल से, मिथिलेटेड सिपरेट से या इनमें से सभी से। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं इनमें से सभी से। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, वस्त्र बनाते हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वस्त्र कौन बनाता है, व्यक्ति, समाज, परिवार या सुरक्षा। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वस्त्र जो है वो व्यक्ति बनाते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यमों द्वारा हटाया जाता है,
दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी के द्वारा जैसे कि बोरेक्स, अमोनिया, वॉशिंग सोडा, इनमें से सभी से वनस्पति दाग धब्बे को छुड़ाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 26 नंबर प्रश्न है, वस्त्र आवश्यक है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि वस्त्र क्यों आवश्यक है, शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी के लिए वस्त्र आवश्यक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है, दूध, चाय, फूल या सब्जी। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दूध का धब्बा जो है वो प्राणिज धब्बा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर प्रश्न है, जंग का धब्बा है प्राणिज धब्बा, खनिज धब्बा, चिकनाई युक्त धब्बा या वनस्पतिक धब्बा। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जंग का धब्बा जो है वो खनिज धब्बा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 29 नंबर प्रश्न है, बैंगनी रंग है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बैंगनी रंग द्वितीयक रंग है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 30 नंबर प्रश्न है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, खड़ी रेखा, परी रेखा, वक्र रेखा या क्रॉस रेखा। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खड़ी रेखा रेखा लंबाई की आभासी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 31 नंबर प्रश्न है, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, सूखी नीम की पत्तियां, नैथलीन की गोलियां, समाचार पत्र की स्याही या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए इनमें से सभी का प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 32 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व है, बाह्य आकृति, रंग, कपड़ों की गुणवत्ता या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 33 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग कितने हैं, 3, 4, 5 या 8। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्राथमिक रंग 3 है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 34 नंबर प्रश्न है, मानव निर्मित तंतु हैं रेशम, ऊन, नायलॉन या नीलन। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नायलॉन मानव निर्मित तंतु हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 35 नंबर प्रश्न है, सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है टिकाऊपन, ठंडा, आरामदायक या कठोर। दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कठोर सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।